हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कल का बजट में बहुत ही बड़ा फैसला आया है क्रिप्टो करेंसी को लेके। फ्रेंड्स, मैं भी एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर हूँ, मैं भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हूँ क्रिप्टो करेंसी में कुछ बड़ा अमाउंट मिलने के लिए। तो आप लोग भी हो सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हैं या आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे थे, बट ये जो फैसला आया है इस फैसला के बाद कि हम लोगों को टैक्स पे करना होगा। बैंड तो नहीं हो रहा है इंडिया में, बट हम लोगों को कुछ टैक्सेस पे करना होगा तभी हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या टैक्सेस हैं? अगर किसी ने अगर आपको क्रिप्टो गिफ्ट किया, किसी भी टोकन, किसी भी डिजिटल करेंसी आपको गिफ्ट किया, उस हिसाब से क्या टैक्स होगा, फुल जानकारी मैं देने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। और उसी के साथ आपको बताने वाला हूँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं बहुत ही कम अमाउंट लेके, वो भी मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। और फ्रेंड्स, अगले कुछ सालों के अंदर RBI ने खुद डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन। तो कैसे आप रजिस्टर करिएगा, कौन सा एप्लीकेशन आप रजिस्टर कर सकते हैं और ₹10 से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, फुल जानकारी मैं देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ इस तरह का टेक वीडियो डेली अपलोड कर लाता हूं जो आपका काम पे आए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसा कॉइन जिस कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ बड़ा अमाउंट आप उससे रिकवर कर सकते हैं। बट इन्वेस्टिंग करना आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें इन्वेस्ट करिएगा या नहीं। बट अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी, तो उस टाइम में कुछ साल बाद या अगर कुछ महीना बाद उससे आपको कुछ बड़ा रिटर्न मिल सकता है। फ्रेंड्स, कल का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा सिक्योरिटी तो हम लोगों को मिल ही गया है। कुछ आज से कुछ साल पहले अगर चले जाते हैं, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते थे बट थोड़ा सा डर लगता था कि अगर किसी भी तरह इंडिया में बैंड हो जाएगा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो सकता है। उसी के साथ जितना फंड आपने लगाए हैं, अगर किसी भी तरह कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाता, अगर बैंड हो जाता करेंसी, डिजिटल करेंसी इंडिया में, तो आपका नुकसान हो सकता था। बट कल का रिजल्ट के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट दिख रहा है। मतलब अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स पे करना हो, जो अमाउंट आप क्रिप्टो से प्रॉफिट कर रहे हैं उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ जब आप बाई सेल कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा TDS आपको लगेगा। तो फ्रेंड्स, क्या वो चार्जेस है और क्या कैसे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसी के साथ अगर आपको कोई भी डिजिटल करेंसी सेंड कर रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, तो उस समय में क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप कोई भी कॉइन डिजिटल करेंसी को खरीदते हैं, तो उस टाइम में आपको 1% TDS चार्ज पे करना होगा। और उसी के जो आप प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना होगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने ₹10 प्रॉफिट किए हैं तो ₹3 आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा सिक्योर हम लोग को हो गया, जिस तरह से हम लोग डर रहे थे, क्योंकि हम लोग करीब करीब काफ़ी पैसा क्रिप्टो में लगाया है। और आप अगर क्रिप्टो डेटाबेस देखिएगा तो उसमें इंडिया सबसे पहले है। तो उस हिसाब से अगर किसी भी तरह इंडिया में क्रिप्टो अगर बैंड होता तो हम लोगों का उस पैसा नुकसान होने का चांसेस रहता। बट ये जो कल का जो रिजल्ट आया है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर क्रिप्टो के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये भी आपको लग सकता है क्या है डिजिटल करेंसी और क्या है क्रिप्टो करेंसी। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी ये है, एक डिजिटल करेंसी है। ये पैसा आपको फिजिकली दिखेगा नहीं, ये पैसा आपको लेज़र टाइप, जैसा मोबाइल में हम लोग नंबर टाइप करते हैं 1, 2, 3, कुछ इसी तरह से आपको एक कॉइन दिखेगा। कॉइन का एक नाम रहेगा, उसी के तरह कॉइन का एक प्राइस रहेगा। वो इंडियन करेंसी भी प्राइस शो करता है, US डॉलर के हिसाब से भी प्राइस शो करता है, और अलग अलग कंट्री का जो करेंसी है उस करेंसी के हिसाब से प्राइस शो करता है। ठीक इसी तरह कुछ फेमस डिजिटल करेंसी है, नाम तो आप लोग जरूर सुने हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, कुछ इस तरह का बड़ा बड़ा करेंसी है। जो करेंसी पहले एक टाइम में ₹1 में ट्रेड कर रहा था, बट आज के डेट में अगर आप उस कॉइन को खरीदने जाइएगा एक पीस, तो करीब ₹30 लाख आपको पे करना पड़ेगा।
मान लीजिए एक कॉइन एक टाइम में था 1 रुपए, बट आज के डेट में उसका प्राइस है 2000। तो उस हिसाब से अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारा कॉइन है जो कॉइन अभी 1 पैसा से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, वो सारा कॉइन को लेके आप होल्ड कर सकते हैं। तो कौन सा वो कॉइन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और अभी आपको ये लग सकता है कि किस में ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, बहुत सारा एप्लीकेशन अवेलेबल है। फ्रेंड्स, मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ यहाँ पे, मैं इस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसी के साथ अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, कॉइन DCX एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय ही आपको 100 रुपये का इथेरियम इस टाइम में मिल जाएगा, बिटकॉइन भी मिल सकता है। चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, मैं क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को देते रहूँगा इस चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप अपने रिस्क पे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत छोटा छोटा कॉइन है, मैं एक छोटा छोटा कॉइन का नाम मैं बता रहा हूँ, बीट टॉरेंट, सीवा इनू, किसू इनू, इस तरह का कुछ कॉइन है जो कॉइन अगले दिनों में बहुत बड़ा अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। मैं खुद इन्वेस्टमेंट किया हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, कॉइन DCX का रेफरल लिंक मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप कॉइन DCX एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद KYC करते हैं, और उसके बाद आपका बैंकिंग फंड मतलब पे इन करके अगर आप कोई फंड कोई अगर डिजिटल करेंसी खरीदते हैं, तो उसमें आपको गिफ्ट के तौर 100 रुपये का इथेरियम कॉइन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यही आपको लिंक मिल जाएगा। और जो छोटा कॉइन है टारगेट उसको करिए, बड़ा कॉइन को टारगेट मत करिए, क्योंकि अगर आप बड़ा कॉइन को टारगेट करिएगा, अगर मान लीजिए अभी के टाइम में बिट कॉइन ट्रेड कर रहा है 30 लाख में, तो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपको एक 30 लाख का कॉइन है तो 100 रुपये में आपको कितना कॉइन मिलेगा, एक भी कॉइन नहीं मिलेगा, पॉइंट करके आपको कॉइन मिलेगा। अगर 1 पैसा करके जो कॉइन है, एक या 1 पैसा से नीचे जो कॉइन है, अगर आप 1 रुपये का कॉइन लीजिएगा तो करीब आपको 100 या 1000 कॉइन आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आपका जितना होता है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए, 10 रुपये 20 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कॉइन DCX एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर समस्या होता है आप डायरेक्ट कॉमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी अगर समस्या होता है तो डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से डिजिटल करेंसी हम लोग ट्रेड करेंगे, अभी के टाइम में हम लोग टैक्स पे करेंगे और ट्रेड करेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी डिजिटल करेंसी खरीदने से पहले जरूर उसका ग्राफ अच्छा से रिसर्च करिएगा, क्या पोजीशन था आज से 6 महीना पहले, क्या प्राइस था, अभी के डेट में क्या ट्रेड कर रहा है, या आज से 1 साल पहले उसका प्राइस क्या था और 1 साल के अंदर क्या हुआ है उस ग्राफ के अंदर। इस तरह से रिसर्च करके आप छोटा छोटा कॉइन जो मीम कॉइन जितना है वो सारा मीम कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बड़ा रिटर्न के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कॉमेंट करके बताइए। चैनल में अगर आप नए हैं को सब्सक्राइब करिए, कुछ इस तरह का ही टेक वीडियो डेली आप लोग लाता हूं जो आपका काम पे आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो। सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं।